हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एंगुलर मटेरियल का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो कि है डायलॉग। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आज की वीडियो में हम क्या क्या क्रिएट करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं ये सारे डायलॉग्स। इसमें मैंने कई एग्जांपल बनाए हैं, तो इन सभी एग्जाम्पल को हम देखेंगे अपनी इस वीडियो में। तो देखते रहिए इस वीडियो को। मेरा नाम है अनूप और आप देख रहे हैं UX ट्रेंड। वेलकम बैक। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे एंगुलर मटेरियल का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है डायलॉग। और इस डायलॉग के लिए भी मैंने एक कंपोनेंट बना लिया है, उसको सेटअप कर लिया है। तो इस पेज पे हम डायलॉग के सारे एग्जांपल को ट्राई करेंगे। अब ये डायलॉग क्या होता है? तो डायलॉग होता है एक पॉपअप बॉक्स जिसमें कुछ कंटेंट होता है। तो जब भी हमें अपनी ऐप में कोई ऐसा पॉपअप वाला बॉक्स ओपन करना होता है कुछ कंटेंट के साथ, तो वहां पे हम यूज कर सकते हैं डायलॉग। हमें जाना पड़ेगा एपीआई में और इसको कॉपी करना पड़ेगा, इसके एपीआई रेफरेंस को। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं और मैट मॉड्यूल में चलते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और इस मैट डायलॉग मॉड्यूल को इस कंस्टेंट वाले एरे में भी पेस्ट कर देते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें इस पे डायलॉग ओपन करना है इस बटन पे। अब हम ये कैसे करेंगे? तो हम चलते हैं मटेरियल की साइट पे, हम एग्जांपल पे चलते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें बटन पे ये क्लिक मेथड लगाना है। तो मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और इस मेथड को हमें बनाना भी पड़ेगा इसकी TS फाइल में। अब देखते हैं हमें इस मेथड में क्या करना है। हम चलते हैं TS कोड में। तो सबसे पहले हमें क्या काम करना है, हमें मैट डायलॉग की सर्विस को इंजेक्ट करना है। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं और कंस्ट्रक्टर में पेस्ट कर देते हैं और इसको इंपोर्ट कर देते हैं एंगुलर मटेरियल डायलॉग से। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो डायलॉग है हम लिखेंगे दिस डॉट डायलॉग डॉट ओपन। अब आपने देखा जब मैंने यहाँ पे ओपन किया, तो ओपन में यहाँ पे हमें क्या सजेशन मिली कि हमें यहाँ पे कंपोनेंट ओपन करना है। क्योंकि जब भी हम डायलॉग ओपन करेंगे तो डायलॉग में जो भी चीज ओपन होगी वो होगी एक अलग कंपोनेंट में। जैसा कि आप यहां अगर देखेंगे, मैं इस पे क्लिक करूंगा ओपन डायलॉग पे, तो ये जो भी कंटेंट खुल रहा है यहाँ पे डायलॉग विद एलिमेंट और ये जो कंटेंट लिखा है ये है एक अलग कंपोनेंट में। तो उस अलग कंपोनेंट को हम यहाँ इस बटन पे ओपन करेंगे एज ए डायलॉग। तो अब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको फिलहाल कमेंट कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इस डायलॉग को ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल करता हूँ। तो यहाँ पे ये इस फोल्डर में आ गया। अब हम क्या करेंगे, एक कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। तो हम लिखेंगे ng generate component, शॉर्ट फॉर्म में ngGC। अब कंपोनेंट का नेम हम क्या देंगे, मैं दे देता हूँ डायलॉग वन। तो ये हमारा कंपोनेंट क्रिएट हो चुका है यहाँ पे डायलॉग वन के नाम से। अब हम क्या करते हैं, इस लाइन को अनकमेंट करते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, डायलॉग वन। तो आपने देखा यहाँ पे डायलॉग वन कंपोनेंट आ गया, मैं यहाँ क्लिक कर लेता हूँ तो ये डायलॉग वन का कंपोनेंट ऑटो इंपोर्ट हो गया। अभी मैं एक बार चेक करके देखता हूँ कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ ओपन डायलॉग पे। तो आपने देखा यहाँ पे अब क्या आ रहा है, डायलॉग वन वर्क्स, मतलब जो डायलॉग वन वाला कंपोनेंट था वो यहाँ पे ओपन हो रहा है इस मॉडल में। तो यही है मॉडल, तो मतलब हमारा मॉडल अब वर्क कर रहा है। अब हम क्या करते हैं, अब हम चलते हैं कंपोनेंट के HTML में। तो यह है डायलॉग कंपोनेंट का HTML। मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। इसमें क्या है, एक हेडिंग है और हेडिंग में एक डायरेक्टिव है मैट डायलॉग टाइटल, जो हम चाहें तो हेडिंग पे लगा सकते हैं। और दूसरा है div मैट डायलॉग कंटेंट। तो ये डायरेक्टिव हमें कंटेंट पे लगाना है ताकि वो जो मैट डायलॉग है उसकी स्टाइलिंग और चीजें जो भी है वो पकड़ ले, जो कोर चीजें हैं। और तीसरा है मैट डायलॉग एक्शन, ये जो नीचे एक एक्शन बार आता है जिसमें हम क्लोज बटन या ओके बटन या कंफर्म इस टाइप के बटन डालते हैं, तो उसे हम मैट डायलॉग एक्शन में कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इसको चेक करते हैं। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो वो आपने देखा यहाँ पे हमारा डायलॉग आ गया। मैं क्लोज पे क्लिक करूंगा तो ये क्लोज हो जाएगा, और अगर मैं बाहर भी क्लिक करूंगा तो भी ये क्लोज हो जाएगा। और ये क्लोज पे क्लिक करने पे क्लोज क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे मैट डायलॉग क्लोज लगा रखा है। अगर मैं इसको हटा दूंगा तो अब ये इस पे क्लोज पे क्लिक करने पे क्लोज नहीं होगा।
तो हमें अगर क्लोज करना है तो हमें ये लगाना पड़ेगा, मैट डायलॉग क्लोज। तो हम चाहें तो इस क्लोज बटन की जगह यहाँ पे टॉप राइट में एक क्रॉस का आइकन भी लगा सकते हैं, और उस आइकन पे अगर हम मैट डायलॉग क्लोज डायरेक्टिव लगा देंगे तो उस आइकन पे क्लिक करने से हमारा डायलॉग क्लोज हो जाएगा, तो हम वो भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो था सिंपल डायलॉग, अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। तो अब हम चलते हैं इसके दूसरे एग्जांपल पे। तो हम ये वाला एग्जांपल अब क्रिएट करेंगे, डायलॉग विद स्क्रोलेबल कंटेंट। और इसमें आप देखेंगे इसमें जो फुटर है और जो हेडर है ये एक जगह फिक्स है, बस बीच का कंटेंट स्क्रोल हो रहा है। तो हम चलते हैं अपने कोड में, तो मैं क्या करता हूँ ये कॉल 6 वाला जो डिव है इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ नीचे, तो ये हमें शो हो रहा है यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे ओपन डायलॉग 2 कर लेते हैं और ओपन डायलॉग 2 का मेथड भी बना लेते हैं। अब हम क्या करेंगे दिस डॉट डायलॉग डॉट ओपन। अब हमें क्या ओपन करना है, हमें ये वाला कंपोनेंट ओपन करना पड़ेगा। तो इसको ओपन करने के लिए पहले हम एक कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं। तो ये हमारा कंपोनेंट क्रिएट हो चुका है डायलॉग 2 के नाम से। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे डायलॉग 2, तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ तो ये भी ऑटो इंपोर्ट हो गया। अब हम एक बार चेक करते हैं, मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे डायलॉग 2 वर्क्स आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इसका HTML कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, मैं जाता हूँ कोड में और इसके HTML को यहाँ से करता हूँ कॉपी और डायलॉग 2 के HTML में इसको पेस्ट कर लेता हूँ। अब हम चेक करते हैं, तो अब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आपने देखा वही सेम पॉपअप ओपन हो रहा है और यहाँ पे स्क्रोलेबल कंटेंट भी है और हेडर फुटर हमारा फिक्स है। मैं क्लोज पे क्लिक करूंगा तो ये क्लोज हो गया और इंस्टॉल पे क्लिक करूंगा तो भी ये क्लोज हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं इस इंस्टॉल वाले बटन का स्टाइल वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। अभी हम चेक करेंगे तो ये ऐसा आ रहा है। अब जो आप देख रहे हैं बीच का कंटेंट स्क्रोलेबल है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने इसको मेट डायलॉग कंटेंट वाले कंपोनेंट में लिया है। मैं अगर यहाँ पे डिव लगा दूंगा तो आप देखना क्या होगा। अब मैंने इसको ओपन किया तो ये कंटेंट स्क्रोलेबल नहीं है और आपने देखा हमारी स्क्रीन से भी बाहर निकल गया, तो इसीलिए हमें यहाँ पे इसको अगर स्क्रोलेबल बनाना है तो हमें मैट डायलॉग कंटेंट वाले कंपोनेंट में इसको ओपन करना पड़ेगा। और नीचे आप देखेंगे मैट डायलॉग एक्शन का एक कंपोनेंट है। अब आप देखेंगे यहाँ पे अलाइन एंड है, मैं अगर इसको स्टार्ट कर दूंगा तो ये स्टार्ट में आएगा, मैं अगर इसको सेंटर कर दूंगा तो ये सेंटर में आ रहा है। तो इस टाइप से आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दोनों बटन पे क्लोज ही हो रहा है, कुछ हो नहीं रहा। मैं अगर इसका इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, इंस्टॉल पे क्लिक करता हूँ तो हमें यहाँ भी कुछ नहीं मिला। तो अब हम चाहते हैं कि जब हम इंस्टॉल पे क्लिक करें तो कुछ तो अलग होना चाहिए जिससे कि हमें पता चले कि अभी यूजर ने कैंसल नहीं बल्कि इंस्टॉल पे क्लिक किया है, ताकि हम अपनी एक्टिविटी को उसके हिसाब से आगे बढ़ा सकें। तो हमें कुछ तो अलग करना पड़ेगा यहाँ पे। तो अब हम चलते हैं इसके पेरेंट वाले कंपोनेंट में जो कि है मेन डायलॉग, जहां से हम इस डायलॉग को ओपन कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे इसके बाद डॉट आफ्टर क्लोज्ड। आपने देखा यहाँ पे आफ्टर क्लोज लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये डायलॉग जब क्लोज हो जाए तब क्या हो। तो आफ्टर क्लोज क्या है, एक ऑब्जर्वेबल है, तो हम क्या करेंगे इसको सब्सक्राइब करेंगे। हम यहाँ क्या करेंगे कंसोल लॉग करते हैं RES। अब मैं क्या करता हूँ इसको कैंसिल करता हूँ, तो यहाँ पे आपने देखा हमें कंसोल लॉग में ब्लैंक कंसोल लॉग मिला। मैं इसको इंस्टॉल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमें क्या मिला ट्रू। तो हम इस टाइप से इसको चेक कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे ट्रू आए तो हम इसकी एक्टिविटी को आगे बढ़ा सकते हैं, तो उसके बेस पे हमें जो भी काम कराना है वो करा सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे डायलॉग 2 वाले कंपोनेंट पे जाता हूँ। अब आप देखेंगे यहाँ पे कैंसल पे तो लिखा है मैट डायलॉग क्लोज सिंपली, तो इस पे क्लोज हो जाएगा। और जो इंस्टॉल वाला बटन है इस पे क्या लिखा है मैट डायलॉग क्लोज और यहाँ पे ट्रू। अब मैं यहाँ ट्रू नहीं करता, मैं यहाँ लिख देता हूँ इंस्टॉल, तो जो भी हमें मैसेज देना है हम यहाँ पे उसको एज ए स्ट्रिंग में दे सकते हैं। अब मैं यहाँ क्लिक करता हूँ इंस्टॉल, तो आपने देखा यहाँ पे हमें क्या मैसेज मिला इंस्टॉल। तो अब हमें मालूम है कि हमें यहाँ पे RES में जब इंस्टॉल मिलेगा तो हम क्या करेंगे इफ RES = इंस्टॉल, तो इसके बेस पे हम आगे अपना जो भी एक्टिविटी करानी है वो हम करा सकते हैं। तो इस टाइप से हम इसमें काम कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इसको एक कॉन्स्टेंट बना दिया है डायलॉग रेफ,
और डायलॉग रेफ के आफ्टर क्लोज पे उसको सब्सक्राइब कर लिया है, तो ये वही है जो मैंने यहाँ पे किया है, बट उन्होंने उसको अलग तरीके से कॉन्स्टेंट बना के किया है, तो हम भी वो कर सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा उसके लिए, हम यहाँ लिख देंगे कॉन्स्ट डायलॉग रेफ, तो ये डायलॉग रेफरेंस हमारा ये बन गया। तो हम क्या करेंगे उसके बाद, डायलॉग रेफ को कॉपी करेंगे और यहाँ पे डायलॉग रेफ डॉट आफ्टर क्लोज, तो हमारा भी कोड वैसा ही हो गया जैसा इन्होंने किया हुआ है और ये वर्क भी कर रहा है ठीक से। तो दोस्तों आई थिंक आपको इतना तो समझ आ ही गया होगा कि एंगुलर मटेरियल में डायलॉग का कंसेप्ट क्या है। अब एक्चुअली डायलॉग में और भी काफी चीजें हैं, काफी और फीचर्स हैं, और इससे भी काफी ज्यादा एडवांस डायलॉग्स हैं, जैसे कि डायलॉग विद डेटा कम्युनिकेशन, मतलब हम जिस पेरेंट कंपोनेंट से डायलॉग को ओपन कर रहे हैं उससे कुछ डेटा डायलॉग वाले कंपोनेंट में सेंड करना, और उसके बाद डायलॉग वाले कंपोनेंट में से कुछ और डेटा को रिसीव करना, और उसके बाद एक है डायलॉग विद प्रॉम्प्ट, मतलब अगर हमें कोई काम करने से पहले यूजर का कुछ कंफर्मेशन लेना है, जिसके लिए हम नॉर्मली जावास्क्रिप्ट का प्रॉम्प्ट बनाते थे कि जैसे कोई चीज को डिलीट करने पे यूजर का कंफर्मेशन लेते थे कि आर यू श्योर टू डिलीट दिस प्रोडक्ट, तो उसके लिए हम एक बढ़िया सा प्रॉम्प्ट डायलॉग बना सकते हैं जो कि यूजर को देखने में भी अच्छा लगेगा। अब ये सारी चीजें भी बाकी हैं जिनको एक वीडियो में एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए इससे आगे के कंसेप्ट मैं बनाऊंगा इसकी नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और आप यूएक्स ट्रेंड को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल यूएक्स ट्रेंड को, ताकि मेरी नेक्स्ट टेक्नोलॉजी वीडियो का अपडेट आपको मिल सके।